ये जब हमने टाइल लगाई थी ना, तब ये वाला एक पोर्शन छोड़ दिया था, आपने देखा होगा। और विहान यहाँ से मिट्टी उठाता था। अब देखो इसको भी हम कवर करने लग गए हैं। तो ये कवर होने के बाद ना, ये वाला इतना इतना, ये देखिए इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। फिर वो नहीं रहेगा ना, बराबर सा हो जाएगा थोड़ा सा बाहर से, वरना मिट्टी नहीं आएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? पापा जी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, बोल रहे हैं मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, तो मैं ऑटो लेने जा रही हूँ। फिर ऑटो में बैठा के उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाऊँगी दोबारा से। मैं पापा जी को ना उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊँगी जिसमें विहान को एडमिट करवाया था अभी रिसेंटली, क्योंकि उसमें पापा जी कई बार पहले एडमिट हुए हैं और उन डॉक्टर को पापा जी का केस पता है अच्छे से, और हमेशा ठीक करके भेजते हैं वो। बाकी मिस्त्री भैया को मैंने काम समझा दिया, वो अपने काम में लगे हुए हैं। उनको बाहर का काम दे दिया, ताला लगा दूंगी घर में, कह दिया है बाहर का काम कर लेना, और जो उनका जितने घंटे फालतू काम करेंगे उनकी पेमेंट मैं कल कर दूंगी। यहाँ देखते हैं, इस साइड से ना ज़्यादा छोटा है वो रास्ता पड़ेगा, तो मैं इधर ही देखती हूँ, कोई ऑटो मिल जाए तो स्पेशल मिल जाएगा ना, वो ले चलूँगी घर की तरफ। यहाँ तो अभी तो कोई भी ऑटो नज़र नहीं आ रहा है। सामने एक है ना ये ऑटो वाला, भाग ना जाए, मैं इसी से सोच रही हूँ कि पूछ लूँ। इन्होंने बोला कि ना अगर आपके साथ सवारी होती तब तो ठीक था, मैं ना स्पेशल उधर घर से लेने नहीं जाऊँगा, और मैं मतलब मुझे कुछ और काम है, बट मैं आपको यहाँ थोड़ा आगे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ना आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ई रिक्शा ली है, ई रिक्शा ली है। अभी यहाँ पर एक सवारी बैठी हुई है, भैया इनको छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे, पापा जी को पिक करेंगे और फिर जाएंगे हॉस्पिटल। मैं पिछली रात से सोई भी नहीं हूँ, पूरी रात उस दिन नहीं सोई क्योंकि पापा जी की तबीयत ख़राब थी। फिर 3:30 बजे 3:30 बजे एम्बुलेंस बुला के वहाँ हॉस्पिटल में बैठी रही। फिर सुबह हो गई तो मैं यहाँ आई। यहाँ आने के बाद थोड़ा वीडियो की एडिटिंग करी। वीडियो की एडिटिंग करने के बाद मेरे यहाँ मिस्त्री भैया आ गए थे, उनके साथ मैंने काम करवाया। और किसी के कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप रसोई में खुद खाना क्यों नहीं बना सकते, मेरे पास टाइम ही नहीं है खाना बनाने का, मैं कैसे बनाऊँ। पहली बात तो मेरी फंक्शनल रसोई नहीं है, अभी रसोई में काम चल रहा है। अगर मम्मी के घर की बात है तो मुझे समझ नहीं आता मम्मी के किचन का। और दूसरी चीज़, अभी मैं टाइम कैसे निकालूँ, मेरे पास मैं 500 से 550 रुपये बचाने के चक्कर में भैया की हेल्प करती हूँ, उनके साथ पूरा टाइम खड़ी भी रहती हूँ, उसके बाद मुझे वीडियो भी बनानी होती है, वीडियो की एडिटिंग भी करती हूँ, फिर पापा जी को भी अभी देख लो बीच में जाके लेके जा रही हूँ। तो इसके लिए विहान के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कंबल ले लेती हूँ ये वाला, ठीक है, ठीक है। पापा जी आप चलो निकलो, मैं विहान को ले लेती हूँ। यहाँ पे हमने ई रिक्शा में पापा जी को पिक कर लिया, मैंने विहान को भी अपने साथ ले लिया क्योंकि मेरे बिना वैसे भी नहीं रहता है। और साथ में पापा जी की देखो रजाई और एक कंबल लिया है, क्योंकि हो सकता है पापा जी को ग्लूकोज चढ़ाए, तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं जब तो ठंड लगती है, इसलिए रजाई ली है। और बाबू के लिए भी मैंने कंबल ले लिया, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि कब तक छुट्टी मिलेगी। फिर यहाँ पर पापा जी और मैं क्लिनिक पे आ गए हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं। इस क्लिनिक पर ना पापा जी मुझे ज़बरदस्ती ले आए थे, बोलते कि ना ये क्लिनिक पर ही चल पड़, क्योंकि वहाँ भी पैसे बहुत लेते हैं, इधर भी लेते हैं, बस यही बातें कर रहे थे। बोलते कि इतने पैसे एक बार विजिट करते हैं 2-2.5 हज़ार का खर्चा बन जाता है, तो यहीं आ गए, पहली बार आए हैं यहाँ पर क्लिनिक पर। तो लेकिन मुझे ये क्लिनिक सही लगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बेसिक ट्रीटमेंट तो मिल ही जाता है। जैसे मान लो, अभी मैं आपको पहले मेरे पापा जी की बात बताती हूँ, तो उनका 300 रुपये का एक टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, जो वो तो बेसिक टेस्ट था, है ना, तो उसमें तो मतलब इन्फेक्शन का पता चलना था कि कितनी इन्फेक्शन हो रही है। और पापा जी की छाती में जो दर्द है, डॉक्टर ने बताया कि इनको खांसी है, और खांसते हैं जब बुजुर्ग इंसान, तो तेज खांसी के साथ एकदम से छाती में उनको दर्द होने लग रहा है, ये रीज़न बताया। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो पापा जी का सैंपल लिया जा रहा था, और उसके अलावा पापा जी के लिए उन्होंने बताया कि ना एक वायरल वगैरह कुछ फैला हुआ है इस टाइम, तो उनका ना जो छाती में इन्फेक्शन हो गया है, और उस इन्फेक्शन की वजह से जैसे लीवर है ना, उनका लीवर पे ना इन्फेक्शन जम जाता है, जिसकी वजह से ना जब तक उसकी वजह से भूख भी नहीं लगती, इसलिए 5-6 4-5 दिन से कुछ खा भी नहीं रहे, ढंग से खा भी नहीं रहे हैं। तो जैसे जैसे वो लीवर से इन्फेक्शन कम होगा और इन्फेक्शन छाती से कम होगा ना, तो फिर इनको भूख भी लगेगी, और थोड़ी वीकनेस आ गई है, 4-5 दिन से खाया नहीं है, इसीलिए तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और बुखार भी आ रहा है इन्फेक्शन की वजह से। तो इन्होंने पापा जी को ना कुछ दवाइयाँ भी दी, और अभी के लिए क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पर इन्होंने देखिए पैसे कम लिए, लेकिन ये नलकी भी नहीं लगाई है ग्लूकोज की बोतल की, पूरी ग्लूकोज की बोतल ना खुद नहीं लगाई, और कुछ इसमें दवाइयाँ भी डाली ग्लूकोज की, तो मुझे यहाँ पे ठीक लगा। यहाँ पे हमारा करीबन 800 रुपये का खर्चा आया टोटल, 300 रुपये के ग्लूकोज की बोतल के पैसे लिए थे, 300 टेस्ट के, और इन्होंने वो फीस नहीं ली, OPD के कोई चार्जेस नहीं थे यहाँ पर। मैं एक बार के लिए बाहर आई हूँ, मैं विहान को कुछ खिला पिला दूँ, ये भूखा रह जाएगा ऐसे तो, क्योंकि
बस सो के उठा है और फिर अब दो घंटे तो लगेंगे ना ग्लूकोज भी पूरा पापा जी के लगने में, तब तक मैं इसको कुछ खिला के ले आऊँ। रास्ते में ये दुकान थी, मेरे को पहली नज़र पहली बार पड़ी, और आप मुझे बताइएगा यहाँ से मैं क्या ख़रीद सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना जैसे अब मैं आगे का थोड़ा सा ना वो इंटरलॉक टाइल्स लगवा रही हूँ तो थोड़ा पक्का हो जाएगा, और पक्का होने के बाद तो देखिए यहाँ पे हम बाहर चारपाई बिछा सकते हैं और चारपाई पे बैठ भी सकते हैं शाम के टाइम। तो एक तो बड़ी चारपाई लूँगी है ना, बड़ी ठीक रहेगी जो मजबूत हो, जिसमें मेरी मम्मी भी आराम से बैठ सके। मुझे ये अच्छा लग रहा है, पिज्जा वर्ल्ड एंड बेकरी, यहाँ चलते हैं। विहान के लिए कुछ मिल जाएगा अगर बैठने का अरेंजमेंट हुआ तो और बढ़िया। विहान के साथ ऐसा ही होता है, ये कुछ खा ले तो खा ले, अब जैसे कुछ यहाँ मंगवा लिया अगर इसने नहीं खाया तो फिर वो पूरा मुझे खाना पड़ता है, और मैं चाय खाना भी ना चाहती हूँ। तो यहाँ पेस्ट्री मंगवाई मैंने, वो तो खा ली, और ब्रेड स्टिक मंगवाई वो नहीं खाई, अब वो मुझे पूरी निपटानी पड़ी। चलो मैं दिखाऊंगी क्या होता है ब्रेड स्टिक, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और ठीक था, टेस्टी था काफ़ी। मैंने बाबू के लिए एक तो गार्लिक ब्रेड स्टिक्स ले लिया है, 70 रुपीज़ का है, मैं 110 लेकर आई, पर्स पापा जी को दे आई ना मैं, फिर उनको 110 के अंदर ही कुछ लेना पड़ेगा। और साथ में 30 का ये स्ट्रॉबेरी वाला पेस्ट्री ले लेते हैं बाबू के लिए, 100 का हो जाएगा, 110 लाई रुपीज़ खाएगा ना। डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छी है यहाँ की, ये है ना पीवीसी शीट बोलते हैं कौन सी है, इन्होंने यहाँ लगवा रखी है ये ऊपर ना पूरे पे बोल पे, मतलब छत को डेकोरेट करना अच्छा लगता है, मैं भी करवाऊंगी अपनी, जो मेरे घर की छत है छोटी सही बट उसको कुछ अच्छा सा लुक दूंगी जरूर, अभी नहीं आने वाले टाइम में। पेस्ट्री तो आ गई है बाबू की, तो हमारी ये पेस्ट्री है, खाएगा ना, अब मम्मा खिलाएगी, एकदम फ्रेश होती है यहाँ की पेस्ट्री, मैंने खा रखी है, चॉकलेट फ्लेवर खा रखा है, एकदम फ्रेश, खा ले और खाएगा, खाएगा भाई, ये खिलाते हैं ऊपर की टॉपिंग, ले मेरा बच्चा, थोड़ी सी और ब्रेड वाला पार्ट भी देख खिलाएंगे बाबू को हम, भूखा है। मैं बता रही ना कि अब देखो पेस्ट्री तो इसने खा ली, पूरी खा ली, एक दो स्पून मैंने खाए थे, उसके बाद जो नमकीन चीज अभी आएगी ना मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। बाकी ये मुझे होटल बहुत पसंद आया क्योंकि हमारे घर के नज़दीक भी है, और साथ में ना यहाँ पे वैरायटी है, मतलब खाने पीने के लिए मैंने आज मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जिनके मैंने कभी नाम ही नहीं सुने, और वो देखने भी 70 रुपये की प्लेट थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और वो बहुत बढ़िया आई, पसंद आई। आप भी बताइएगा मतलब ये है क्या, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ब्रेड से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि बेकरी की है ना तो अलग अलग टाइप की, जैसे ब्रेड होती है उसकी कहीं कहीं अलग अलग टाइप की रेसिपीज़ यहाँ मिलती हैं। तो ये बाबू ने ना थोड़ा सा मतलब इतना सा एक पीस भी नहीं ढंग से पूरा खाया, तो ये पूरा मैंने ही निपटाया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का था, ये स्टफ्ड ब्रेड थी जिसमें मतलब पनीर भी था और चीज़ था, इस तरीके से कुछ वेजीज थी, उस तरीके का कुछ था। तो हमारे छोटे शहरों में इस टाइप की चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती है, देखो 70 रुपये का था ये पूरा, और इसमें अच्छे से पेट भर सकता है एक ही में, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से काफ़ी मतलब नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, बट ठीक है कभी कभी महीने में एक बार आ जाया करेंगे यहाँ पर, कुछ अच्छा लगा ट्राई कर लिया करेंगे। इसके बाद यहाँ से खा पी के मैंने ही ख़त्म किया, उसके बाद मैं हॉस्पिटल कह रही हूँ क्लिनिक में चली गई थी पापा जी के, वहाँ पापा जी को ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी, और करीबन मेरे को फिर ना आज मेरी ट्यूशन मिस हो गई, क्योंकि मेरे को ना करीबन वहाँ पर लग गया टाइम, क्योंकि 1.5-2 घंटे तो आपको पता ही है ग्लूकोज की बोतल पूरी होने में लगते हैं। और वहाँ मैं बैठी हुई थी, वहाँ पर क्लिनिक था, तो मैं कहीं डॉक्टर से मैंने कई क्वेश्चंस पूछे, जैसे किडनी रिलेटेड भी पूछा, मैंने कहा सर किडनी कितने टाइम में खराब होती है, और भी कई चीजें। तो सर ने मुझे एक बात बताई कि ना हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे हमारे कोई भी दिक्कत हो हम पैरासिटामोल खा लेते हैं, तो वो पैरासिटामोल हमारी बीमारी को 4-5 साल के लिए दबा देती है, फिर एकदम से वो बीमारी बाहर निकलती है। पापा जी अभी कैसा फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो पहले से? अभी ना एक काम करेंगे, अभी 8:30 हुए हैं, 10-10:30 बजे एक बोतल और चढ़वा देंगे ग्लूकोज की ना, थोड़ी ताकत आ जाएगी। देखो खांसी आती है ना तब एकदम से छाती में दर्द होता है खांसते हुए, सुबह की दवाई ले लेना अभी तो, है ना। ये जो स्लैब होती है इस पे तराई करनी जरूरी होती है दिन में 2 बार, वरना सीमेंट वो टूटना शुरू हो जाएगा बाद में स्लैब का, अच्छा मजबूत काम करने के लिए। ये देखिए तराई हो रही है। विहान ने वैसे छोले चावल खाए हैं, थोड़े से खाए, मम्मी खिला के गई है, वैसे मैंने देखो विहान को चोकोस दे दिए, मैं भी 2-3 ले लेती हूँ, मैं खाती हूँ ये वाले विहान के साथ।
ऐसी रुखे भी अच्छे लगते हैं, बाबू को भी बहुत पसंद है। और ये देखिए मैं आपको काम भी दिखा देती हूँ, ये कल शाम को हुआ था, मैं थी नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पे ना एक लाइन और थोड़ी सी ये वाली टाइल की लगेगी, ये वाली ना दो तीन और बची हुई है, तो मैंने जितनी भी थी यहाँ पे मैं आपको थी। अब तो चट रख सकते हो भैया पैर, अब मतलब कुछ घंटे नहीं रखना होता, कोई बात नहीं, अब तो रख सकते हैं, अब तो हो गया, किनारे पे नहीं रखना, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ कुछ टाइलें और बची है, बाकी देखो ये तीन चार और है, वो और यूज में लगा देंगे तो कम से कम ये जगह भी खाली होगी अब, है ना। मैं कहा टाइलें यहाँ रखी हुई थी, क्यों खराब करनी, पैसे खराब जाते हैं, खरीदी हुई टाइलें जी नहीं, अब यहाँ के लिए तो बची नहीं ना, यहाँ के लिए टाइल तो नहीं बची होंगी, यही सब है, है ना। फिर आप ये वाली तो कह रहे हो, ये वाली कि यहाँ लगाओगे एक एक और लाइन, है ना, खत्म ही हो जाएंगी फिर तो, तभी तो बची करेगी, है ना। हाँ। फिर तो रहने दो, इधर तो बचेंगी नहीं, यहाँ की तो टाइलें ही नहीं बचेंगी, अगर है तो देख लेना तो एक दो टुकड़े, वरना रहने देना, और क्या है ना। अरे भैया देखने लग रहे हैं, तो देखिए यहाँ के बाद जो जितना भी एरिया है ना सब में मैं इंटरलॉक टाइल्स वो लगवा दूंगी, तो बताइएगा जरूर। ये ना थोड़ा सा यार ये तो वो है कि बची हुई टाइलें लगा देते हैं यार, काम आ जाएंगी और क्या है ना, पैसे फालतू थोड़ी आ रहे हैं कि इन टाइलों को फेंकूंगी थोड़ी, कि अगर हमें ये वाली लगवानी है तो ये वाली फेंक दूं। मैंने कहा थोड़ा सा हम स्टार्टिंग यहाँ पे यहाँ लेके फिर इंटरलॉक टाइल्स लगवा लेते हैं, और ये टाइल सही है, मिट्टी में लगेगी, उनमें सीमेंट का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, है ना, कल को दिक्कत आई निकाल लो। और फिर जब ये वाली टाइल मेरी हो जाएंगी ना खराब, आप समझिए, जब मान लो कभी खोलना पड़ गया, नीचे सीवेज है क्योंकि मेरा, ये टाइलें खराब हुई तो सीमेंट वगैरह सारा उखाड़ के दोबारा कभी लाइफ में मिस्त्री बुला के यहाँ भी इंटरलॉक टाइल ही लगवा दूंगी बाद में, सारे में इंटरलॉक टाइल, फिर उसमें क्या होगा ना, खर्चा नहीं आएगा दोबारा फ्यूचर में बार बार, क्योंकि ये टाइलें तो एक बार सीमेंट लग गई खराब हो जाती है। तो ये देखिए अभी भैया काम कर रहे हैं, और मेरे को हो गया जुकाम, क्योंकि मेरे को ना एक्चुअली क्या होता है, बाबू को भी हल्का हल्का सा जुकाम हो रहा है, क्योंकि ना हमारा यही सिस्टम होता है कि जैसे वहाँ पे पेशेंट्स आए हुए थे, हम भी ठीक थे बिहान, और मैं तो बिल्कुल सही सलामत गए थे हॉस्पिटल यहाँ कल पापा जी के साथ, तो वहाँ पे कई पेशेंट बार बार आए जिनके जुकाम हो रखा था, तो जुकाम ऐसी चीज होती है, एक के हो तो दूसरे के लग ही जाता है, और पापा जी के भी था, तो विहान अभी ठीक हुआ था देखो जुकाम वगैरह खांसी से, और उसको फिर जुकाम हो गया, और मुझे भी जुकाम हो गया अब दोबारा से, और पापा जी तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, अभी इनकी चाय आएगी तो आप मम्मी बना के ला रहे हैं वहां से, तो चाय पियेंगे। और मैंने देखे कपड़े बदले अभी सुबह, ये वाले पहने हैं, बस अभी मुंह धो लूं, मुंह धो के बस उसके बाद अपना भी काम शुरू करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। एक सैंडल पहन के क्यों घूम रहा है, दूसरा दांत निकाल दिया, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और ये देखना खुंडी बार बार बंद करने की सोचता है, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ ना, बार बार सोचता है बंद कर दूंगा हमें, ठीक है जी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, अपना ध्यान रखिएगा। विहान बाय बाय बोल दो, मम्मा तो बोल नहीं रही, आप बोल दो बाय बाय, हेलो बोलो विहान, हेलो बोलो, हेलो बोलो, अच्छे से बोलो बेटा, हेलो बाय बाय बोलो, बाय बाय, हेलो, चलिए जी ध्यान रखिए।